बट दे आर मिस्यूजिंग संघ परिवार एंड प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन दे आर मिस्यूजिंग केसरी शालू वी कंडम दैट ये सभी जोड़ने के लिए यूज करो केसरी शाल तोड़ने के लिए टुकड़ा के लिए नहीं यूज करो ये स्टेट गवर्नमेंट ने नॉट रेडी टू ओपन स्कूल 14 15 16 तक हॉलीडे घोषण किया है दिस इज द आई कंडेम स्टेट गवर्नमेंट विथ प्रोटेक्शन ओपन द स्कूल ये संघ परिवार बीजेपी आदमियों की ये इश्यू राइज किया आप कौन है और क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं रवि कुमार राजचंद्र है सौहार्द कर्नाटका ये वेदिके का संचालक है मेरा दोस्त के साथ मैं पत्रिका गोष्ठी किया मैं अवर इंटेंशन इज सोशल हार्मोनी ये सामाजिक स्वास्थ्य इज इम्पॉर्टेंट इन कॉलेज कैंपसेस ये प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन संघ परिवार की लोगों के समाज में ये रिलीजियस इंटॉलरेंस पहले हंडा है हेग है आज कपड़ा है ये इमोशनल की फीलिंग्स में क्या कहता है क्या ड्रेस है क्या खाने है इसकी विचार पर समाज में थोड़ा डिस्टर्ब किया संघ परिवार लोगों को ये अवर सौहार्द वेदिके कंडम किया दिस इज़ नॉट फेयर दिस इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री वी आर ऑल इक्वल बिफोर लॉ वी कांट डिफ्रेंशिएट रिलीजियस वाइज वी आर ऑल ब्रदर्स अवर कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू हज फॉर प्रैक्टिस एंड प्रीस द एवरी रिलीजियस वी रेस्पेक्ट एवरी रिलीजियस स्टूडेंट्स एंड वुमेन स्पेशली वुमेन सर ये बताइए कि जो केसरी हिजाब वर्सेस केसरी शॉल कर रहे हैं इस पर क्या कहेंगे आप हिजाब इज ए ट्रेडिशनल रिलीजियस संकेत केसरी इज ए क्रिएटेड इट इज केसरी आई नो इट इज ए रिप्रेजेंटेशन सैक्रिफाइस बट दे आर मिसयूजिंग संघ परिवार एंड प्रो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन दे आर मिसयूजिंग केसरी शालू वी कंडम दैट ये सभी जोड़ने के लिए यूज करो केसरी शाल तोड़ने के लिए टुकड़ा के लिए नहीं यूज करो ये मेरा डिमांड है संघ परिवार आदमी को अच्छा ये बताइए अभी जो इंट्रीम ऑर्डर दिया गया है कि जब तक केस चलेगा तब ये इंट्रीम ऑर्डर ये मौखिक संदेश है जब तक फाइनल ऑर्डर तक कीप क्वाइट साइलेंट डोंट यूज एनी रिलीजियस सिंबल्स लाइक दैट दे ओनली गिव टू दी मौखिक आदेश नॉट इन रिटर्न जस्ट फॉर ए ओरली दे सेट दैट जज कीप क्वाइट साइलेंट टिल द फाइनल ऑर्डर तो क्या करना चाहिए अभी मंडे से अगर स्कूल शुरू वी आर वेटिंग डे बाई डे बेसिस चल रहा है आर्ग्यूमेंट अवर एडवोकेट सर मंडे जो स्टूडेंट है ना वो स्टूडेंट स्कार्फ पहन के जाएं कि नहीं जाएं ये स्टेट गवर्नमेंट ने नॉट रेडी टू ओपन स्कूल 14 15 16 तक हॉलीडे घोषण किया है दिस इज द आई कंडेम स्टेट गवर्नमेंट विथ प्रोटेक्शन ओपन द स्कूल यू डोंट हैव गट्स ओपन द स्कूल क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेशली रूरल स्टूडेंट प्रो पुअर पीपल स्टूडेंट्स ओपन द स्कूल ऑलरेडी टू ईयर्स वी लॉस्ट द एजुकेशन यू हैव टू ओपन विथ प्रोटेक्शन नहीं अगर ओपन कर रहे भी हैं तो हिजाब के बिना जाने के लिए आदेश है क्या करें वी आर इन पॉजिटिव वी बिलीव इन कोर्ट ऑर्डर वी आर वेटिंग वॉट दे गिव दैट अगर दो महीने केस चलता है तो तब तक दो महीने नहीं डे बाई डे इज दे नो द सीरियसनेस ऑफ सेंसिटिव ऑफ दिस केसेस आई विश्वास है कोर्ट के सामने विश्वास है वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट ऑर्डर इन पॉजिटिव मूड आपको क्या लग रहा है कि पूरा पॉलिटिसाइज किया जा रहा है पॉलिटिकल मुद्दा है ये संघ परिवार बीजेपी आदमियों की ये इश्यू राइज किया दे आर क्रिएटेड दिस नॉनसेंस थिंग्स अदर पॉलिटिकल पार्टी नॉट क्रिएटेड दे आर इनिशिएटेड रघुपति भट नलिन कुमार कटील सी टी रवि ईश्वरप्पा जी आर अशोक ऑनरेबल सीएम ऑल आर बिलोंग्स टू बीजेपी पार्टी ये बीजेपी पार्टी अंड संघ परिवार ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएट किया दिस इश्यू दे आर पर्पसफुली इंटेंशनली दे आर इनिशिएट दैट दिस इश्यू इन द यूपी इलेक्शन एंड फॉर कमिंग कर्नाटक इलेक्शन दिस इज द अजेंडा हिडन अजेंडा ऑफ संघ परिवार एंड बीजेपी दैट्स वाई वी आर टुगेदर वर्किंग वी आर टुगेदर अपोज दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस कौन सर आपकी कितने तंजीमें हैं कौन कौन लोग हैं आपके साथ में मेरा साथ वकील है
किसान का बेटा है और माइनॉरिटी स्टूडेंट लीडर है, अलग अलग सोशल वर्कर्स है, मठाधीश है, एससी एसटी ओबीसी श्रमिक वर्ग का किसान का बेटा बेटी सभी है मेरा साथ। 97% की रिप्रेजेंटेशन है सौहार्द कर्नाटक। ये 3% का आदमी को मैं कंडम किया दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड्स। दिस इज नॉट फेयर फॉर डेमोक्रेसी। दे आर क्वेश्चनिंग द इंटीग्रिटी क्रेडिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सर लास्ट में बोलिए आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड इज हिजाब इज द रिलीजियस चॉइस ऑफ द माइनॉरिटी स्टूडेंट्स। ओके, गिव हिम अलाउ टू wearing that hijab. They are asking, we are ready. All minority girls or women are ready to wear uniform along with color matching hijab. Allow them a traditional religious. जी, आपकी आवाज़ की जो तमाम जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उन सबको मैं कहना चाहूँगा कि सौहार्द कर्नाटका जो है, मुसलमान भाई, हमारे एससी एसटी भाई, दलित भाई और लिंगायत भाई, सब जुड़ चुके हैं एक आवाज़ में, एक शक्ति में, एक नारे में कि हम सब सच के साथ हैं, हम सब हिजाब के साथ हैं। और चाहे जितना भी आप पॉलिटिक्स कर लें इसके बारे में, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा पूरा भरोसा है संविधान पे, हमारे हाईकोर्ट पे, हमारे जस्टिस पे, कि वो जो भी करेंगे सच का साथ देंगे और उनका जो फैसला होगा वो सही होगा। कोर्ट का जो इंटरिम ऑर्डर है, जी उस पर क्या? जी इंटरिम ऑर्डर है, मैं समझता हूँ कि हमारा संविधान अलाउ करता है कि डिसएग्री करने का, तो मैं इंटरिम ऑर्डर पे डिसएग्री करता हूँ। क्योंकि जब एक इंटरिम ऑर्डर ऐसा आता है कि आप कोई भी रिलीजियस वेशभाषा नहीं पहन सकते, देखिए बहुत आसान है उन लड़कों को अपना सैफरन शॉल निकाल दें, क्योंकि जुम्मा चार रोज नहीं है आपको सैफरन शॉल पहन के आप हिजाब के साथ कम्पीट कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। हमारी बहनें बहुत सालों से, 70 साल से संविधान है तब से हिंदुस्तान में हिजाब, उससे पहले भी हो रहा है। तो मैं इस इंटरिम ऑर्डर को बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। मेरी दरख्वास्त है चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी से, जस्टिस जेम खाजी से, जस्टिस कृष्णा दीक्षित जी से, कि वो हियरिंग को सुने और मुझे पूरा भरोसा है कि आप हक के साथ इसका फैसला करेंगे।